हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, 27 सितंबर की कोर्ट अपडेट लेकर पूरे दिन भर का हाल सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीडियो में। तो ये वीडियो उन मित्रों को समर्पित है जो दिन भर की पूरी अपडेट एक वीडियो में चाहते हैं। तो उन सभी को एक वीडियो में सारे दिन भर का हाल। और आज तो बहुत खास रहा है, कालिया सर का सबमिशन आज कंप्लीट हुआ है। यानी तीन बहुत ही वरिष्ठ वकीलों ने एजी सर को लेकर, एजी सर आपके आज कालिया सर और कल प्रशांत चंद्रा सर का सबमिशन कंप्लीट हो चुका है। तो बचे आपके दो और बहुत सीनियर वकील, आपके माथुर साहब जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूर्व आपके महाधिवक्ता भी रह चुके हैं प्रदेश के, इसके अलावा आपके तिवारी जी, अनिल तिवारी जी का सबमिशन बचा हुआ है। तो 1 तारीख को उम्मीद है कि आपके पक्ष का सबमिशन पूरा कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी अगर आप 30 तारीख को भी अपना कंप्लीट कर लिए होते तो 1 तारीख एक ही दिन बसता विपक्ष को सबमिशन देने के लिए, तो अगली डेट आपकी पूरी छुट्टियों के बाद ही मिलती, तो वहीं आपके वहीं हाल होगा। और फिलहाल अगली डेट आपकी 1 अक्टूबर लग गई है, ये आपको पता है। तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूरे दिन भर का हाल समझने की, पिन पॉइंटेड और पूरा सार समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपका केस स्टार्ट हुआ 69,000 भर्ती कट ऑफ केस, 2:15 बजे से लिस्टेड था, आप सभी को पता है। और अगली डेट पर 1 अक्टूबर को भी आपके 2:15 बजे से ही एडिशनल के अंदर सुनवाई रहेगी। अब बात करते हैं कि इतनी लंबी डेट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 30 तारीख को, तो 30 तारीख के बारे में मैंने बता दिया है। कल परसों सैटरडे संडे नहीं होगी सुनवाई, आपके लीव रहता है। मंडे को नहीं रखा गया है, क्यों? अब उसका आपका रीज़न है, 30 तारीख को गैप कर दिया गया है। अब जो उसका रीज़न हो वो जल्दी आपकी जैसी कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आती है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। 1 तारीख को रखा गया है जो लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद आपका पूरा लीव जो है, जो छुट्टियां हैं वो आपकी प्रारंभ हो जाएंगी 9 तारीख तक। तो आज की बात करें तो आज के कट ऑफ केस में 69,000 भर्ती मामले में कालिया सर शुरू किए। और कालिया सर बहुत ही स्पष्ट तरीके से, जैसे एजी सर ने आक्रामकता दिखाई, जैसे आपके प्रशांत चंद्रा सर ने आक्रामकता दिखाई, वैसे आज आपके कालिया सर ने पूरी आक्रामकता के साथ पूरा आक्रमण किया है। और बहुत ही स्पष्ट तरीके से, और स्टार्ट ही उसी पॉइंट से किया है जिस पॉइंट को जज महोदय सुनना चाहते हैं। और एक बात बता दूं, अगले सुनवाई में इसी चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि 7 जनवरी का जो जियो है इसको, हालांकि माथुर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की, लास्ट के जो उनको 15 से 20 मिनट मिले हैं, और उसके पहले आपका कालिया जी ने इसी चीज़ से स्पष्ट किया है। तो इरशाद अली की जो बात है वो आपके जस्टिस इरशाद अली जी जो हैं वो इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि फोकस बस इसी को करना है कि 7 जनवरी का जियो की जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए आपके समक्ष। बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करनी, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके पहले इरशाद अली जी एकमात्र ऐसे आपके जज देखने को मिले हैं पिछले 68,500, सबसे बड़ा गवाह है इस भर्ती में, जो इन्होंने अपनी एक ही वाक्य से पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट किया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया है और ये शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है, किसी चपरासी की भर्ती प्रक्रिया है नहीं। तो यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी और आपके कट ऑफ की क्वालिटी मेंटेन और सही होनी चाहिए, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पासिंग मार्क्स गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा का परिणाम तो सरकारी आदेश के हिसाब से ही जारी हो जाना चाहिए था। कालिया सर इसी वाक्य के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं पहली बार है कि जो परिणाम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए पहला पिन पॉइंटेड इनका कटाक्ष रहा है आपके कोर्ट रूम में। फिर उन्होंने 7 जनवरी के जियो को डिफाइन किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की रूपरेखा, और 7 जनवरी का जियो को डिफाइन कर रहे हैं, और पूरी तरीके से 25 जुलाई की नियमावली पर बोला है इन्होंने। आगे इन्होंने ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2019 और इसकी गाइडलाइन को एक्सप्लेन किया है। और देखिए, ये जो केस है ये सबसे इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे देखता हुआ नज़र आया है, आपके आनंद कुमार का केस और इसकी रूपरेखा जो रिलेट करती है 7 जनवरी का जियो। और आपका जो जियो और एक ऑर्डर है जिसमें 2X1/ जो इसके अंतर्गत, उसमें इन्होंने स्पष्ट तरीके से कालिया जी ने एकदम भारांग को लेकर शिक्षा मित्रों को भी घेरा। इन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी बात कही कि जितने भी शिक्षा मित्र बंधु हैं उनका कहना ये चीज़ है सबसे पहले कि आप स्पष्ट तरीके से ये एक्सप्लेन करिए कि जो भर्ती प्रक्रिया है, पहले ये 40-45 थी तो 60-65 थी, तो इसको तो पहले प्रशांत चंद्रा सर ने कल ही एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो यहाँ पर इन्होंने कालिया जी ने इसको स्पष्ट किया है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पिछली भर्ती प्रक्रिया जो 68,500 है और 69,000 भर्ती प्रक्रिया, ये दोनों भर्ती प्रक्रियाएं अपने आप में अलग हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को दो बराबर मौके दिए गए यहाँ पर, बराबर मौके इन द सेंस कि पिछली भर्ती मान लीजिए 50,000 होते, इस भर्ती में 50,000 होते, तो जो इसमें फेल हैं उनको भी तो पुनः मौका दिया गया है इस भर्ती प्रक्रिया में, तो यहाँ पे तो इनके साथ कोई भेदभाव हुआ नहीं है, पहली बात इन्होंने रखी। दूसरी बात, इन्होंने सारे जजमेंट को अच्छे से और ऑर्डर्स जो थे आनंद कुमार ऑर्डर्स को बार बार री एक्सप्लेन किया गया अलग अलग आपके ऑर्डर्स के थ्रू, और आनंद कुमार केस को सिर्फ आपके कालिया जी ने, माथुर साहब ने भी इसको लास्ट में घेरा, इसको स्पष्ट किया, इसके एक एक पॉइंट्स को जो बिंदु उनकी तरफ से स्पष्टीकरण मांग रहे थे उन्होंने स्पष्ट किया उस हिसाब से। और इसके बाद जो इन्होंने स्पष्ट किया कि एससी का ये गाइडलाइन बहुत सही है कि इनको उम्र में आपकी छूट दी जा रही है, भारांक इनको दिया जा रहा है, तो ये किस हिसाब से, अपने हिसाब से ये कट ऑफ तय करने का मांग रही थी, पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है, ये अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है, इन्होंने भी स्पष्ट किया। फिर आपके कालिया सर ने एकदम स्पष्ट तरीके से ये भी कहा कि शिक्षा मित्र बंधु जो हैं वो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्पष्ट ये हो कि इनको बस, इनको ये पता है कि भारांक तो हमको मिलना ही है, तो कम अंक भी हम पाएंगे तो आराम से भारांक का लाभ लेते हुए हम परीक्षा में बने रहेंगे, तो इस हिसाब से ये चाहते हैं, जो पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है। और शुरुआत में ही टेट की गाइडलाइन इन्होंने स्पष्ट की थी, और उसके बाद उत्तरार्ध में जिनका इनका आर्ग्यूमेंट्स जैसे उत्तरार्ध की तरफ जाता है यानी कंप्लीशन की तरफ जाता है सबमिशन इनका, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है टेट को कि टीईटी परीक्षा आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंटेन का पहला चरण है, तो टीईटी जब आपका 55% और 60% पर आपका लगता है तो सुपर टीईटी तो इससे ऊपर की भर्ती परीक्षा है। और इसके लिए मैंने कल ही आपको बोल दिया था, मैंने ये स्पष्ट तरीके से बोला था अपनी वीडियोस में, अगर कल की वीडियोस आप उठा के देखेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा कि जिस दिन सुपर टीटी परीक्षा को आपके वरिष्ठ वकीलों ने भर्ती परीक्षा घोषित कर दिया उस दिन गारंटी है कि आपका 60-65 पूरा सुरक्षित होगा। और आज इसी पर कटाक्ष किया है कालिया सर ने, कालिया सर ने स्पष्ट कहा है कि आपकी पासिंग परीक्षा है टीटी, लेकिन सुपर टीटी जो इससे ऊपर की परीक्षा एक भर्ती परीक्षा है, इसमें इससे ऊपर, क्योंकि इसमें 55% और 60% कट ऑफ अंक रहता है हमेशा निर्धारित, तो इससे जब ऊपर की परीक्षा है तो इससे ऊपर का इसमें लगाया गया 60-65 जो कहीं ना कहीं पूरा न्याय संगत है। अब आप लोगों को मैंने दो वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको बहुत ढेर सारे फेक वीडियोज़ मिलेंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग ऑडियो मिलेंगे अभी कि आपको जो परेशान करेंगे बीएड को लेकर, तो बीएड को लेकर मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने आज आर्ग्यू किया है बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने कहा है कि आप स्पष्ट तरीके से ये समझ लीजिए कि सिंगल बेंच का ऑर्डर को तो आज धज्जियाँ उड़ाई ही उड़ाई हैं, जो 148 पेज का सिंगल बेंच का ऑर्डर उसको लेकर इतनी स्पष्ट तरीके से उसकी जो खामियाँ हैं उसको अच्छे तरीके से सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, और उसमें ये भी कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में आपके बीएड को अवैध इनवैलिड घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एनसीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है और उसको आपके शामिल किया गया है 1981 जो संशोधन किया गया है नियमावली को, उसके बाद बीएड को इसमें शामिल किया गया है, तो बीएड पूरी तरह से वैध है और ये स्पष्ट है बीएड अपनी मेहनत के बल पर लिखित आपके जो परीक्षा है सुपर टीटी जो है उस परीक्षा को क्वालिफाई करके अपने एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करते हुए वो इस भर्ती प्रक्रिया में बने हुए हैं और उनको कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने खुद नियमावली में संशोधन करके इनको इस भर्ती परीक्षा में शामिल किया है। और मैं पूरा बोल दूँ आप लोगों को, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग जियो के इर्द गिर्द ही और जियो को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि कालिया सर ने जो आज बात की है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मजबूत है जियो को लेकर। कालिया सर ने स्पष्ट किया है कि अगर इसी जियो को 5 जनवरी को लागू कर दिया जाता तो ये सही होता, और इसको 7 जनवरी को लागू कर दिया गया तो ये गलत कैसे है, इसको इन्होंने प्रश्न पूछा सीधे सीधे जज की तरफ से इशारा करते हुए, और इन्होंने बहुत अच्छे से ये भी डिफाइन किया है कि ये कहना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीका है कि हमको पहले से पता होता
कि इसमें कितना कट ऑफ लगाया गया, 60-65 कट ऑफ लगाया गया, तो हम इस भर्ती प्रक्रिया को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इन्होंने ये कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली भर्ती प्रक्रिया में 40-45 था, जो ये इस बार पुनः चाहते हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, पिछली भर्ती प्रक्रिया में 40-45 कट ऑफ पहले से ही बताया गया था, तो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, पुनः इनको क्यों मौका दिया गया इसमें, तो इस बात को लेकर बहुत अच्छे तरीके से घेरा गया है। और लास्ट में फिर उसके बाद माथू सर अपने उपस्थित हुए, उनका कंप्लीशन हो चुका है, कालिया सर का सबमिशन पूरा हो चुका है। माथू सर ने एसएम के भारांग को समझाते हुए 90-97 पे किसका हित प्रभावित हो रहा है ये भी स्पष्ट किया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझाना। और सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, पासिंग मार्क तय करना, पूर्णतः नियुक्ता का अधिकार, ये सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से कोर्ट रूम में रखी गई हैं। और कालिया सर का सबमिशन यानी तीन वरिष्ठ वकीलों का, जिसमें एजी साहब, चंद्रा साहब और कालिया साहब, तीनों का सबमिशन पूरा हो चुका है। अब आपके माथुर सर का जो कुछ सबमिशन हुआ है, बाकी के सबमिशन 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके अनिल तिवारी सर का सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके पक्ष की तरफ से सबका कंप्लीशन 1 तारीख को ही होगा। फिर पूरी छुट्टियों के बाद ही विपक्ष को मौका दे मिलेगा, यानी लंबा गैप है, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। तो आज की पूरी कोर्ट अपडेट में दिन भर का हाल ये पूरा सार रहा आप लोगों के समक्ष, और अगली डेट आपकी 1 अक्टूबर 2019 को लगाई गई 2:15 बजे से। उम्मीद है आप लोग एकजुट रहेंगे, और बाकी के फेक न्यूज़ जितनी भी हैं उन सभी का खंडन आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें रियल एंड ऑथेंटिकेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल गई हैं। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि कोई मित्र परेशान ना हो, मानसिक प्रताड़ित ना हो, एकजुट रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप एकदम मजबूती से बने हुए हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। धन्यवाद।